जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो बहुत ही बोरिंग डे था आज, मतलब ऑब्वियसली आज मंडे है तो इतने ज्यादा लोग कोई आते नहीं है। बोरिंग था, ना ही कुछ हुआ, ना ही कुछ प्रोडक्टिव हुआ। मैं जो बुक पढ़ रहा था तो आज तो वो भी नहीं हुआ, बस दोस्तों के साथ बैठा। कुछ यार परेशान कर रहे हैं, तो बहुत ही बोरिंग था। अभी भूख लगी, कुछ खाना है मुझे। शाम को मैं यूजुअली नहीं खाता, लेकिन अभी कुछ खाने का मन हुआ है। दिखता हूँ, घर पे फोन करके पूछता हूँ क्या बनाया है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो हमने खाना खा लिया है, अब हम निकलेंगे सीधा कैफे के लिए। तभी मैं आ चुका हूँ कैफे पे, और अभी एक रील भी शूट करना है यहाँ पे। दो तीन दिनों से उसके ऊपर सोच रहा हूँ, और कैसे एडिट करना है, मतलब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, एडिट कैसे करना है, वो सब मैं सीख रहा था। और आज जाके मैं फाइनली शूट करूँगा, देखता हूँ मुझे कितना आया कितना नहीं आता है। जगह जगह से मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, तो आज शूट करूँगा और आज ही डालूंगा। अभी मैं बना रहा हूँ बर्गर, नहीं खाने के लिए नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, शायद थोड़ा टेस्ट कर लूंगा क्योंकि खाने में मजा आती है। बना रहा हूँ बर्गर क्योंकि मुझे अपने जो जोमेटो पे जो ऑनलाइन है उसमें फोटोज डालना है अपने खुद के बर्गर के, डाउनलोड किए हुए नहीं, तो थोड़ा जेन्युइन लगे और लोगों फोटो से थोड़ा फर्क पड़ता है, तो उसी लिए मैं बना रहा हूँ, इसके लिए मैं बना रहा हूँ बर्गर। गाइस अभी मैं खाने के लिए रात को वड़ा पाव लेके आया, बहुत ही क्रेविंग हो रही थी, और मेरे रूम की लाइट बिगड़ गई। एक छोटा सा बल्ब है एलईडी, उस पर चला रहा हूँ, लाइट बिगड़ चुकी है और क्रेविंग हो रही थी, तो इसलिए मैं लाया हूँ वड़ा पाव। पहले फ्रेश होके आता हूँ, बाद में इसको एंजॉय करूँगा। गुड मॉर्निंग, आज है तीसरा दिन व्लॉग का, और कल जो मैंने सोते पहले, एक मिनट पहले मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। अच्छा, तो कल जो मैंने सोते पहले वड़ा पाव खाए थे, मुझे पता था मैं लेट उठूँगा, लेकिन इतना लेट उठूँगा वो मुझे नहीं पता था। मैं उठा आज 10 बजे, मम्मी के ताने भी शुरू हो गए। क्या बोल रहे थे एक बार बताओ। हे गाइस, तो कल मैंने एक मूवी देखी थी, गुजराती मूवी थी, नाम था फक्त महिलाओं माटे, मतलब हिंदी में होता है कि सिर्फ लेडीज के लिए। तो बहुत ही बढ़िया मूवी थी, मेरे ख्याल से बॉलीवुड से भी इसका लेवल लाइक कहीं ऊपर था। लेकिन मेरे कहने का बात यह है कि बॉलीवुड से कहीं ज्यादा अच्छी मूवीज आज ये लोग सब बना रहे हैं, स्पेशली अगर बॉलीवुड जैसा बजट इनका होता तो लाइक नेक्स्ट लेवल, ये लोग नेक्स्ट लेवल मूवी बना सकते हैं। हेलो गाइस, तो अभी मैं देख रहा था, अभी मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, एक दो मिनट। मैं सब GoPro के एसेसरीज के बारे में देख रहा था। GoPro मेरे पास है एक्चुअली, मेरे जीजू और मेरी बहन ने मुझे दिया था GoPro 10 USA से, जब मेरी बहन आई तो वो लेके आई थी। तो GoPro तो मेरे पास है, लेकिन मैंने उसको बहुत यूज़ नहीं किया, इनफैक्ट बहुत ही कम, एक ही वीडियो के लिए यूज़ किया है अब तक, दो वीडियो में ही मैंने यूज़ किया। तो अभी मैं GoPro के एसेसरीज देख रहा, एक्चुअली मुझे 3 ही एसेसरीज चाहिए इसमें, एक जो हेलमेट में आते हैं लगाने के लिए वो, और एक जो सर पे वो आता है ना बेल्ट, वो सर पे पहनने के लिए, और जो एक चेस्ट पे पहनने के लिए आता है वो, बस ये 3 ही की रिक्वायरमेंट है मुझे अभी। क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा फाइनल हुआ है कि दिसंबर में मैं जाने वाला हूँ कैंपिंग, मनाली कैंपिंग में फाइनल हो चुका है, बुकिंग मैंने कर दी है, तो उसी के लिए वहाँ पे सब शूट करने के लिए मैं GoPro की एक्सेसरीज देख रहा हूँ। तो अभी हम दिवाली मना रहे हैं मैं और शार्दुल भाई, तो सबसे खतरनाक जो बॉम्ब है सुतली बॉम्ब वो फोड़ रहे हैं, वो भी अलग अलग, ना आत्मा नहीं, आप बोलो ना भाई, आईफोन लेके आत्मा नहीं, आईफोन लेके आगे जाओ, छाड़वा ना करेगा गाय का गोबर है, गाय के गोबर पे लगा रहा है, इसको भागना पड़ेगा वरना हमारे ऊपर ही सब आएगा। हाउ आर यू, अब नहीं है गोबर।
मेरी बात एक खोलना चलो रख दे चलो जाओ चालू है। आखिर में आया अभी दर्शन भाई, आखिर में नहीं मैंने पहले फोड़े अब तभी यूं भी छह नहीं मैं इधर गोबर था गायब हो गया भाई गोबर को हमने दूसरे डायमेंशन में भेज दिया इधर इनके बीच में बड़ो भाई हां बदू सड़क से वो बीच के ये सड़क है का नहीं भाई ये चल जाएगा पूरा हां यहां पड़ो माटी में पेलो खाड़ो रे मस्त रे ली तेरे बागवान प्रॉब्लम पड़ ना ना पांच भाई जान हम देखो अब ये मिट्टी बड़ी है अंदर पड़ो अरे दर्शन भाई भागेंगे नहीं 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 अब दर्शन भाई भाग रहे हैं भाई रिंग बना डाली दर्शन भाई ने तो अब दर्शन भाई चाहते हैं कि इसको खोले देखना चाहते हैं कि अंदर कितना आता है क्या आता है कितना आता है नहीं मारे बीप करूं ऊपर से अब यहाँ पे दर्शन भाई ने एक्सप्लोजन खोल दिया है सरप्राइज सरप्राइज दर्शन भाई को वीडियो में बीपा बीप करना पड़ेगा ये इसमें पड़ो बॉक्स पहला था हम पेटी जो अभी बॉक्स हो गया दर्शन भाई पेटी की फटी पड़ी कमी हो गई है सबकी पास आईफोन इधर रखे जाएंगे हम नहीं 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 आईफोन इधर रखे जाएंगे मैं भी इधर रह जाऊंगा घर जाने को नहीं मिलेगा ओ ये मत दर्शन भाई ये खोल अभी बस मैं पटाखे जला के आया एक्चुअली मैंने बहुत साल बाद पटाखे जलाए हाँ 2013 में अराउंड मैंने छोड़ दिए थे पटाखे फूटने छोड़ दिए थे मतलब छोड़ नहीं दिए थे भी कैसा होता था कि दिवाली पे कहीं भी जाने का होता है कि घूमने जाने का होता है आज जाके जब ये फूट रहा था तो उसने मुझे इंसिस किया कि नहीं मैं भी फूटूँ तो मुझे भी थोड़ी इच्छा हो गई तो फिर 5-6 मैंने भी जला लिए और फूटने के बाद थोड़ा मज़ा आया तो सोचा था ज़्यादा होती तो और मज़ा आती लेकिन वो ख़त्म हो गए पता नहीं और ज़्यादा बॉक्सेस है कि नहीं तो गाइस अभी क्या हुआ कि मेरी रूम की लाइट तो बिगड़ी गई थी मैंने पहले बताया तो कल मुझे ठीक करनी पड़ेगी अभी मैं बल्ब पे सब कुछ काम करता हूँ मुझे अभी वीडियो भी एडिट करना है और गाइस वो कम पड़ रहा था तो फिर मेरे बाथरूम की लाइट भी बिगड़ गई मतलब इसकी लाइट भी चेंज करनी है और ये भी चेंज करना है गाइस तो अभी वीडियो एडिट हो चुका है और मुझे ये लो लाइट में काम करना पड़ रहा है मुझे लो लाइट में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है लेकिन क्या करें अभी मैं चेंज नहीं कर सकता कल सुबह ही चेंज होगा तो गाइस आप सबको हैप्पी दिवाली हैव अ सेफ दिवाली खेलो पटाखे जलाओ लेकिन सेफली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस लाइक बटन दबा दो और सब्सक्राइब करो तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में जय श्री कृष्ण।